आपने ये गाना सुना होगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो आज के नन्हे मुन्ने बच्चों की मुट्ठी में है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हुए हमारे साथ आज है कार्तिक। कार्तिक ऐसे तो 14 साल के हैं बट इन्होंने लिखा है ये बुक फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कार्तिक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार्तिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कार्तिक से। हाय कार्तिक। तो कार्तिक आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम कार्तिक है, मेरे पिताजी का नाम जगजीत सिंह है, मैं जासवा दिजर हरियाणा से। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं कार्तिक? मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाउ। तो झाझर गांव से एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे? आप अपनी कहानी बताना चाहेंगे हमें? जी पहले मैं जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब से कोडिंग सीखी, उसके बाद मैंने ऐप डेवलप किए, उसके बाद रिकॉर्ड्स में जाके मैंने ऐप क्रिएट किए हैं, उसके बाद पहले भी मैंने बुक लिखी है। फिर मैंने देखा कि कई 15 वर्ष की उम्र में, कई 16 वर्ष की उम्र में मतलब BSc MSc करते हैं, फिर मैंने देखा कि वो मतलब कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो जब भारत में तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसे कर सके, पर वहाँ एनरोलमेंट टेस्ट के आधार पर ऐसा होता है। तो आपने एनरोलमेंट टेस्ट दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और फिर आप वहाँ पे पहुँच गए, फिर डेली लेक्चर्स आ रहा है। और आपने कोडिंग की क्लासेस यूट्यूब से देख करके सीखा खुद से। तो कार्तिक आप ये बताइए कि ये बुक आपको लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया? आपने कब सोचा कि आपको ये बुक लिखना है और इसके लिए आपको जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? जी बुक लिखने के लिए है कि जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज मैंने भी इसमें से क्रिएट किए जिनका पेटेंट किया है 5 टेक्नोलॉजीज, फिर यही सोचा कि मतलब और क्या क्या टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर एक डिज़ाइन की बुक लिखी जाए जिसके अंदर डिज़ाइन भी किया जाए। तो फिर ये मैंने द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर टेक बुक लिखी जो कि वर्ल्ड मोस्ट डिजाइन बुक में भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो आप इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी ये बुक फ्यूचर टेक 2050 तक 2050 तक आने वाली या उसके बाद भी आने वाली तकनीकों हर क्षेत्र में जैसे हेल्थ केयर, होम और मीडिया, हर क्षेत्र में जो भी तकनीकों में बदलाव आएगा, हर समय तकनीकों में बदलाव आता है, वो टेक्निक्स को इसमें लिखा गया है। मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं या क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी, क्या क्या टाइमलाइंस हैं और किस तरह से उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सभी इस बुक में है। मतलब आप इतना दूर तक का सोचते हैं कि आप 2050 तक में जो टेक्नोलॉजी आ सकती है, जो आने वाली है, उसके बारे में सोच करके आपने इसमें लिखा। कार्तिक आपने ये भी बताया कि आपने 5 टेक्नोलॉजीज को पेटेंट करवाया है, तो आप उस टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी वो टेक्नोलॉजीज हैं SR की मेटावर्स, जैसे मेटावर्स आपने सुना होगा कि भविष्य में आने वाला है, उस पर कई कॉर्पोरेट्स कंपनियाँ काम कर रही हैं, उसको मैंने क्रिएट करके, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करके उसका पेटेंट फिल किया है। एक श्रीकुंज जो कि ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट ई न्यूज़पेपर है, मतलब ई न्यूज़पेपर के अंदर AI अवतार खुद का चेहरा और वो बोलकर आपको खबरें पढ़कर सुनाएगा, ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट ई न्यूज़पेपर, उसका भी पेटेंट फिल किया है और उसकी प्री बुकिंग भी अभी चल रही है। और साथ में अभी मैंने रघुराय बोट भी क्रिएट किया है जो कि भारत का पहला AI चैट बोट है, जैसे ChatGPT का नाम आपने सुना होगा और बार्ड और एपिक, तो उसी तरह का ये भारत का पहला चैटबॉट है। फिर SR की ट्रांसलेटर, हम किसी भी भाषा में, 2 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में संवाद कर सके, इसके लिए ये ऐप क्रिएट किया गया है और इसका भी पैटर्न फिल किया है। साथ में ROS जैसे भारत की अलग अलग ROS जैसे अब तक 2 पुल है, जैसे आईफोन में iOS और एंड्रॉयड, उसी तरह ये तीसरा भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर 1 TB तक का जिप स्पेस भी अवेलेबल करवाया है। आप और हम जो आज के डेट में जो चीज़ सोच भी नहीं सकते या जिस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, कार्तिक ने उन चीज़ों में एक महारत, इन्होंने एक मुकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया है टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करके, जो कि इसमें से कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम बन रही है और उसको पेटेंट फाइलिंग भी कर दी है। And he has already written a book called The Future of Tech. तो कार्तिक आप ये बताइए कि आप इन सब चीज़ों के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, आपके गांव से, आपके घर से, आप अपनी स्टोरी बताइए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, झाझर गांव में रहते हैं, तो आपको किसने इन सब चीज़ों के लिए प्रेरणा दी कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? जी वैसे
मोटिवेशन मेरे पापा जी मुझे गाइड करते हैं, और फिर साथ में सीखने कोडिंग सीखने की बात है या जिससे कोडिंग सीख कर ये चीजें क्रिएट किए हैं वो यूट्यूब से खो गई। आपके पापा जी क्या करते हैं कार्तिक? मेरे पापा जी किसान हैं। किसान हैं, और आपको वो मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, आपको पूरी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। तो कार्तिक, आपकी स्टोरी जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बच्चों और बाकी सारे लोग जो बड़े शहरों में नहीं रहते हैं उनके लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है कि आप कहीं भी रहें, आप किसी भी बैकग्राउंड से रहें, ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी वाले बैकग्राउंड से रहें, बट आप कुछ इसमें एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कार्तिक, आप जैसे कि आपसे बातचीत में आप बता रहे थे कि आप रोबोटिक्स मिलिट्री के भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो वह क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, रोबोटिक्स मिलिट्री के क्षेत्र में जैसे मैं चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट साथ दे या कोलोबरेट करे तो मैं भारत के लिए रोबोटिक मिलिट्री तैयार कर सकता हूँ, जिस तरह से चाइना ने की है और साथ में एनओसी पर तैनात भी की है, इन्होंने आप देखी हो तो इस बारे में भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के लिए वो क्रिएट करूँ ताकि भारत में ही बने, कहीं से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है कार्तिक? आपको स्कूल में सिखाया जाता है या आपके कोई टीचर है जो आपको सिखाता है? ये आप कहाँ से सीखते हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में? यूट्यूब से या कौन से? यूट्यूब से या इंटरनेट से बस सीखते हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में? खुद से पढ़ते हैं आप इसके बारे में? जी। तो आप कितने साल की उम्र से इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड हैं कार्तिक? फ्रॉम सिक्स क्लास, 11 पहले। जैसे कि हमारी जानकारी, आप प्रेसिडेंट मुर्मू जी से भी मिले थे, तो उनसे आप किस टेक्नोलॉजी के सिलसिले में मिले थे उसके बारे में कुछ बताएंगे? जिनसे एक तो जो मैंने कार्य किया उनके बारे में, और फिर त्रिकोण जो कि दुनिया का पहला ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट एक बार जैसे अभी बताया भी, तो उस विषय में मिले थे। अच्छा, तो आप सरकार से किस तरह की सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं कार्तिक? सरकार से मैं चाहता हूँ कि भारत के लिए डिफेंस रोबोट्स क्रिएट करूँ और इसी तरह मतलब आत्मनिर्भर भारत बनने में अपना साथ। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आप जैसे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मैं बहुत वो टेक्नोलॉजी को लेकर के वो भारत को एक मुकाम तक ऑलरेडी ले आए और वो चाहते हैं कि उसको एक अलग मुकाम तक भारत को पहुंचा दे, तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे टाइस के माध्यम से? मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा है, ईमेल भी भेजी है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो कार्तिक, हमें आपको आपके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए और फ्यूचर एंडिवर्स के लिए ऑल द बेस्ट, और हमें बिल्कुल यकीन है कि जब 14 साल का बच्चा ये किताब लिख सकता है फ्यूचर ऑफ टेक, जिसमें उसने अगले 50 सालों तक जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसका विजन है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट कार्तिक, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।